ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कणकण में स्वाद, कणकण में भारत। रशिया यूक्रेन में जंग छिड़ी है। चीन ताइवान के आसपास अपने युद्धपोत को लगाकर ललकार रहा है और दर्द अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका, जिसके लिए चीन और रूस इस समय सरदर्द बन चुके हैं, उससे निपटने का अमेरिका को कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। लिहाजा अमेरिका को भारत से उम्मीद है। यही कारण है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन का दौरा कर रहे थे, जश्न अमेरिका में मन रहा था, और बैठक भारत की रक्षा मंत्री के साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन कर रहे थे। दोनों व्याख्या अलग है, बैठकें अलग अलग जगह पहले से प्रस्तावित थी, लेकिन जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका भारत के करीब आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की, और इस बैठक के बाद जो कुछ निकल कर सामने आया वो चीन के लिए चौंकाने वाला और भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर समीक्षा की गई और जरूरी प्रतिबद्धता भी जाहिर की गई। राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग, क्षेत्र सुरक्षा और बाकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की थी। बताते राजनाथ सिंह, दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका पहुंचे थे। इस दौरान अमेरिकी रक्षा सचिव ने भारत और भारत के साथ संबंधों को लेकर काफी उम्मीद जताई। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था के समापन पर खुशी जाहिर की, और इसके अलावा संपर्क अधिकारियों की तैनाती के संबंध में भारत और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए। अब फ्लोरिडा अमेरिका में मुख्यालय विशेष संचालन कमान में पहला संपर्क अधिकारी तैनात किया जाएगा। बता दें, दोनों नेता कोर्ट पहल, इंडो पैसिफिक मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस और इसके साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में भागीदारी को लेकर चर्चा कर रहे थे। तीनों ही पक्ष से मुसीबत चीन के लिए बढ़ाने वाली थी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जिस तरीके से चीन की दखलअंदाजी बढ़ रही है, ताइवान के आसपास जिस तरह चीनी नौसेना ने अपने युद्धपोतों को लगा दिया है, उसके बाद तनाव गहरा रहा है। अमेरिका को चिंता है, लिहाजा वो भारत से उम्मीद जता रहा है। और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत का लगातार रूस की सबसे बड़ी शक्ति बनना अमेरिका को खास पसंद नहीं आ रहा, लिहाजा अमेरिका ने यू टर्न लिया, भारत के साथ दोस्ती को गहरा किया और अब रक्षा साझेदारी और भागीदारी के नाम पर बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। खैर, किसी भी मंशा के साथ अमेरिका सहयोग जताने की कोशिश कर रहा हो, हर हाल में फायदे का सौदा भारत के लिए है। आपको क्या लगता है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।